जिस गांव ने भोजपुरी को एक सुपरस्टार दिया, उस गांव में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। छपरा के जिस धनाडी गांव से भोजपुरी के रोमांस किंग खेसारी लाल यादव का ताल्लुक है, छपरा के उस धनाडी गांव में प्रेम प्रसंग में दो नाबालिग बेटी और उसके पिता का बेरहमी से कत्ल किया गया है। छपरा के जिस गांव से निकला एक सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पूरी दुनिया को प्यार सिखाता है। धनाडी के उस गाँव में प्यार का अंजाम तीन कत्ल से लिया गया है। कोई हमसे कहा हम लोग से ये लड़की के मत बदिया बेटी मैं से पूछी तो लड़कियां बदिया वाले छोड़ दे रहे हैं ये दिन के दिन थी वो नहीं है कि बात है ठीक है तो लड़कियों को बाद में ना बदिया तो तारे को कौन ही लाइट ना छोड़ तारे भाई जरूर ना दे तारे माई जरूर ना दे तारे वही दिन ना दे छोटी वही दिन ना दे तारे बाबू जरूर ना तारे ना बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के मर्डर मामले अभी सुलझे भी नहीं थे कि बिहार में इस वारदात के 24 घंटे के अंदर सारण में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। सारण ट्रिपल मर्डर मामले में बिहार फिर दहल उठा है। घर में घुसकर बेरहमी से दो नाबालिग बेटी के साथ साथ पिता की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। इस घटना के चश्मदीद गवाह उसकी पत्नी बच गई है, जिसकी भी हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कौन कौन लेकर रोशन था? रोशन के साथ एक और लड़का था, उस लड़का का नाम हम नहीं जानते हैं। रोशन को हम छत हो गए तो मेरी लड़कियाँ हल्ला की कैसी आ गई ये मैया चिल्ले गए क्या गोली कर रहा हूँ दूगो रोशन भी था उसमें ना रोशन से बात करती थी वो उसी को लेकर झंझट था रोशन मैसे थी रोशन गांव का ही है पता नहीं कब आया है गांव का ही रहने वाला है रोशन कहाँ रहा था उसका घर कहाँ है धनाडी में बा रसूलपुर का रहने वाला है उधर से चला गया था गाँव में ना छत पर चढ़ा पीछे से पीछे चढ़ा से जहां वारदात हुई वो भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गांव धनाडी गांव है, जहां घर में घुसकर बेरहमी से पिता और उसके दो नाबालिग बेटी की हत्या की गई है। 24 घंटे के अंदर बिहार में मर्डर की बड़ी वारदात, सारण में ट्रिपल मर्डर, रसूलपुर थाना अंतर्गत धनाडी गांव का है, जहां पिता और उसकी दो बेटी की धारदार हथियार से मार मार कर हत्या कर दी गई है, जबकि नींद खुलने के बाद महिला ने किसी तरह अपनी जान बचाई और उसका इलाज अब चल रहा है। सारण पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले में जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसमें एक का नाम सुधांशु कुमार है और दूसरे का नाम अंकित। पुलिस की माने तो दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों के पास खून से लथपथ कपड़े भी मिले हैं, जो वारदात के सबूत भी हैं। हत्या में उपयोग किए गए चाकू भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बरामद कर लिए हैं। साथ ही FSL की टीम मौकाए वारदात से तमाम सबूत भी इकट्ठा कर रही है, लेकिन वारदात के बाद से खेसारी लाल यादव के इस धनाडी गांव के लोग डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।